हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यास कुकबुक। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। वैसे ये सबका फेवरेट होता है, बनाने में भी आसान होता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। आज हम इसका एक वेरिएशन देखेंगे, इसे आप कम समय में इसे बना पाएंगे। जनरली इसमें बहुत सारा दूध और खोया का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम इसकी जगह पे अमूल मिठाई मेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर को कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 इलायची, 5 से 6 बादाम, 1 कप दूध, 4 से 5 चम्मच देसी घी, कुछ किशमिश और 7 से 8 काजू। और ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है अमूल मिठाई मेट। मैंने 200 ml लिया है। ये कंडेंस्ड मिल्क और शुगर का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए हम अलग से शुगर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम लेंगे घी, इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। गाजर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, ये थोड़ा पक गया है। अब हम फिर से इसे चलाते रहेंगे। इसमें अभी भी थोड़ा दूध है, जब तक ये दूध इवेपोरेट नहीं हो जाता हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब हमें इसे ढक के नहीं रखना है, इसी तरह से चलाते रहना है। आप देख सकते हैं पूरा दूध इवेपोरेट हो गया है, ये पूरा ड्राई हो गया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमूल मिठाई मेट। मैं 200 ml ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम गाजर को इसके साथ पकाएंगे। जब तक ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट में ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। जब हम दूध और खोया के साथ इसे पकाते हैं तो ये बहुत सारा समय ले लेता है, लेकिन आज ये बहुत जल्दी बनेगा। ये ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, फिर से थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। अब हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।